भारत देश विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता देखे तो वो सिर्फ हमारे भारत देश में ही देखने को मिलती है, जिसमें बहुत से ऐसे अलग अलग पुराने धरोहर हैं। हमारे दिन की शुरुआत होना और खत्म होना ये पूरी भगवान सूर्य नारायण की ही कृपा है। उनका ही एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि उड़ीसा राज्य के पूरी जिले में स्थित है। तो ये मंदिर जगन्नाथपुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी के वक्त में बनवाया गया था। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्द के मेल से बना हुआ है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से लेकर 1264 ईस्वी सन पूर्व के गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 के वक्त में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थलों को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़े से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हुए ये चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 आरों से मिलकर बना हुआ है, जो हर दिन के 8 प्रहरों को दर्शाता है। यहाँ पर स्थानिक लोग प्रस्तुत सूर्य मंदिर भगवान को बिरंची नारायण इस नाम से संबोधित करते हैं। यह कोणार्क का प्रसिद्ध मंदिर है, पर इस मंदिर में भगवान की पूजा नहीं की जाती। इसका कारण यहाँ की सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति खंडित होना है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित है। भगवान सूर्य देव का यह मंदिर अब कुछ बराबर स्थिति में तो नहीं है। इसकी बहुत सारी वजहें बताई जाती है। उनमें आता है महत्वपूर्ण काला पहाड़। काला पहाड़ यह उस वक्त के बंगाल सल्तनत का एक मुस्लिम जनरल का नाम था जो कि करानी राजवंश के शासन में था। इस जनरल ने मंदिर का बहुत नुकसान किया था। इसने मंदिर की बहुत सारी दीवारें तोड़ दी थी जो कि महत्वपूर्ण थी। सूर्य मंदिर के विनाश के पीछे सिर्फ काला पहाड़ और उसकी ही सेना नहीं थी, बल्कि 15वीं से 17वीं शताब्दी में कई मुस्लिम शासकों द्वारा भी इस मंदिर को नष्ट किया गया था। मंदिर एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार से निर्माण किया गया था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को इतने सही तरह से इस मंदिर में उपयोग किया गया था कि इसमें स्थित भगवान सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती थी, जिसका कारण मंदिर के हर एक दीवार में चुंबक का उपयोग किया गया था। और इतना ही नहीं तो मंदिर के मुख्य भाग के ऊपर 52 टन का एक चुंबक था जो कि समुद्र की सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता था। यूरोपियन नाविक यानी कि जहाजीय व्यापारी, वो जब समुद्र से भारत देश के तरफ आते थे तब वो इस चुंबक के कारण रास्ता भटक जाते थे। कहा जाता है कि इस चुंबक को कुछ यूरोपियन ही लेकर चले गए थे। तब से इस मंदिर की व्यवस्था बिगड़ती चली गई थी क्योंकि इस मंदिर में मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सही तरीके से उपयोग किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर समुद्र के करीब स्थित होने के कारण ये यूरोपियन नाविकों के लिए इतना हमारा शानदार मंदिर नौवहक बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया गया जाता था। मंदिर का पुण्य स्थल विशाल मीनार काले रंग का था जो कि दूर दूर से दिखाई देता था, इसलिए यूरोपीय जहाज वाले हमारे शानदार मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से संबोधित करते थे, जिससे कि वो एक जगह या किनारा समुद्र का किनारा ढूंढ सके। मित्रों, तो सूर्य मंदिर की महत्वपूर्ण कहानी तो आपने जान ही ली होंगी। तो आज बस इतना ही, आगे भी एक और बेहतरीन वीडियो आपके लिए हाजिर करेंगे।